रख भरोसा अपनी मेहनत पर ना कि अपनी किस्मत पर, रख भरोसा अपनी मेहनत पर ना कि अपनी किस्मत पर, सपनों की तैयारी पूरी रखो फिर सफलता का स्वाद चखो, फूल मेहनत के जब जीवन में उगाओगे तब जाकर कहीं इस सड़ी जिंदगी को महका पाओगे। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो मित्रों एक बार फिर से आपके सामने जुड़ चुके हैं और इस बार बधाई हो। कैसी बधाई है सर? अभी बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसा कर दिया गया जिसकी क्या उम्मीद थी, बिल्कुल यही उम्मीद थी, और क्या है अपनी, क्या है जो अपनी क्या थी अपेक्षाएं थी उन पे खरा उतरे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों साथ साथ में यहां पे अपन जिन जिन चीजों पे बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। कुछ टॉप रैंकर्स से अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है BSTC और PTT के लिए, उसके कुछ टॉप रैंकर्स की बात करेंगे। साथ साथ में BSTC की परीक्षा कब होने वाली है, PTT की परीक्षा की डेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और अपनी आगामी रणनीति है वो किस प्रकार से रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। और पढ़ना है तो मित्रों क्या है, इनकी तरह पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट भी क्या इनकी तरह ही आए। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, सभी को बधाई भाई, जिसने भी क्या है टेस्ट सीरीज अटेंड की है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। और यहां पे देखिएगा साथियों, अपने जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसके अंदर जो टॉप रैंकर्स है उनकी बात की जाए तो सबसे पहले है चेतन सांकला जी। कौन है मित्रों, ये क्या करते हैं 600 में से 468 नंबर लेके आते हैं प्रथम टेस्ट के अंदर। आपको बता दूं जितने भी टेस्ट बनाए गए हैं ना सभी लेवल वाइज बनाए गए हैं। क्या है, दो चार टेस्ट स्टार्ट में रखे गए हैं वो मतलब पूरा एग्जाम के बेस पे रखे गए। तो सर दो चार ही अच्छे रखे क्या बाद वाले में देखिएगा। टेस्ट में कभी क्या होता है कि सर रीजनिंग हार्ड आ गई बाकी वाले सरल थे, कभी क्या होता है कि सर शिक्षण अभिरुचि हार्ड आ गई बाकी वाले सरल थे, ऐसा होता रहता है। सर कभी GK हार्ड आ गया बाकी वाले सरल थे, तो वो उस आधार पर रखे गए कि मान लिया आपके टेस्ट में एग्जामिनर संतुलन से पेपर नहीं बनाए और रीजनिंग हार्ड कर दे तो आपका कितना नंबर आएगा। तो बाकी में क्या है, एक कोने से आपको परखा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला आपकी तैयारी के लिए, इससे अच्छा मित्रों आपको और कुछ नहीं मिल सकता। तो यहां पे बात करेंगे, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी सांकला का, 468 नंबर आए बहुत अच्छी बात है मित्रों। क्या इसी तरह तैयारी करनी, लेकिन चेतन जी एक टेस्ट के अंदर क्या है 468 आ गए तो दूसरे में अपनी तैयारी को डाउन कर लो, ये भी अच्छी बात नहीं है मित्रों। क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस भी क्या अच्छी चीज नहीं है, बस अपने पे क्या विश्वास बनाए रखना है और मेहनत करते रहना है। सेकंड पे आते हैं रामकेश जी, जिनके 469 नंबर है। देखिए अभी कुछ लोगों ने टेस्ट नहीं लिया तो उनके भी रैंक कैसे, जैसे जैसे आप टेस्ट दोगे वैसे अपडेट होती रहेगी। मैंने तुरंत ले लिए है, क्या है भाई धीरे, क्या है ज़्यादा नहीं है क्या, क्योंकि आपको बधाई भी तो देनी है। तो तीसरे नंबर पे अपने आते हैं चूना राम जी, जिनके 450 नंबर है। चौथे नंबर पर दुर्गा लाल जी, जिनके 441 नंबर है। साथियों पाँचवें नंबर पर सुप्रिया है, जिनके 438 नंबर है। छठे नंबर पर अपने छगन लाल जी है, साथियों शायद ये राजसमंद से हैं कुंबलगढ़, इनके 435 नंबर है। बहुत अच्छा छगन लाल जी, बस इसी प्रकार क्या मेहनत करते रहिए। सातवें नंबर पे अंजू प्रजापति, जिनके 435 नंबर है। और आठवें नंबर पे गणपत लाल जी, 432 नंबर लेके आते हैं। वहीं आठवें नंबर पे और कौन है, दिलीप कुमावत जी है जो 432 नंबर लेके आते हैं ये भी। और उसके बाद शिवाराम जी है वो 429 नंबर लेके आते हैं। ये मित्रों क्या अपने एक टेस्ट के क्या टॉप 10 थे। देखिए 400 से ऊपर की क्या है बिल्कुल भरमार है, इतने आपको गिना ही नहीं सकते। आप खुद टेस्ट सीरीज में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। लेकिन साथियों क्या है, बस और भी आपको तैयारी करनी, यूं 400 से ऊपर आ रहे तो बस अब अच्छा हो गया। अरे यार 400 से ऊपर आए, 450 आए तो कोशिश करो 500 आए, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो बात करें अब दूसरे टेस्ट की, तो दूसरे टेस्ट के अंदर देखिए सबसे पहले बहुत ही अच्छा है अंजलि नागर, 471 नंबर लेके आते हैं 600 में से। बहुत अच्छा है अंजलि जी, क्या बस इसी प्रकार तैयारी करते रहिएगा। 471 नंबर मित्रों अपने आप में क्या बहुत ही बड़ी चीज होती है। मेहनत क्या है वो इन्हीं को पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जो भाई बहन कहते हैं सर आप पढ़ाते उसमें क्या है क्या नहीं, पूरे सिलेबस का टेस्ट है। तो इन्होंने साथ साथ में मित्रों क्या है, सिर्फ मैंने पढ़ाया अगर वो दिया होता तो ये नंबर भी नहीं आते, ये हकीकत है यार। क्योंकि मैंने भी पूरा सिलेबस कहां GK कहां करवाया, फिर भी ये GK में इतने अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं मित्र। साथियों क्या है, साथ साथ में मैंने आपको जो रणनीति बताई ना उनका ये फॉलो कर रहे हैं कि बुक भी पढ़नी है और क्या है क्लासेज भी लेनी, तो वही रणनीति का फॉलो करके ये क्या है 471 नंबर लेके आए, बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड पे अपने अमृत सोनी है जो क्या 468 नंबर लेके आते हैं, बहुत अच्छा अमृत जी। थर्ड पे हीरा राम जी है जो 435 नंबर लेके आते हैं। फिर सुरेश कुमार सारण है 432 नंबर लेके आते हैं। उसके बाद अपने कौन है,
गौतम अर्पिता जी है जो 432 लाते हैं। दूसरा टेस्ट भी बहुत अच्छा था, जीके में शायद यहाँ पे आपके नंबर क्या है थोड़े कम हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहना है भाई, ठीक है, सुधार करते रहना है। और तीसरे अपने क्या है, छठे नंबर पे जो राहुल जी चौधरी है 429 आते हैं। सातवें पे मुकेश जी गुर्जर है 426 नंबर है। आठवें पे चूनाराम जी है। नौवें पे सीताराम जी प्रजापत है। और 420 नंबर चेतन जी सांकला लेके आते हैं। तो मित्रों ये अपने क्या टेस्ट का रिजल्ट था। तो भाई जो भी यहाँ पे जितने भी भाई बहनों ने अटेंड किया उनको बहुत बहुत बधाई, और नहीं किया है तो उनके लिए साथियों क्या बड़े दुख की बात है। अरे भाई अपना परीक्षा, अपनी परीक्षा देने में आपको घबराहट कैसी है, अपनी परीक्षा देनी है, आप एग्जाम में जाके भी तो अपनी परीक्षा देने वाले हो, तो अभी से अगर घबराहट है तो वहाँ पे क्या कुछ लोग होते हैं ना सर एग्जाम से पहले डर लगता है, क्या लगता है गुरु जी मिन तो एग्जाम में पहला डर लगे, तो भाई ये तो 10 मौका देवा था डर निकालने का, कत्ता मौका 10, एक बार डरोला, दो बार डरोला, तीन बार डरोला, अगर कल डर भी आपसे डरेगा और एग्जाम में आप नहीं डरोगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बेझिझक होकर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ये मेरा विश्वास है। यहाँ पे ये मैंने आपको जो भी नंबर बताया ना, अगर ये आज ये ज़्यादा नंबर की भाई हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, तैयारी अगर ये अपनी कम कर दें तो मैं नहीं कह सकता, बाकी गारंटी है कि यहाँ पे जो मैंने आपके यहाँ पे 40 बच्चों के नाम बताए एक एक सेलेक्ट है, 100% क्या है सेलेक्ट है, ये मेरा आपसे वादा है। बस इसी प्रकार मेहनत आपको करते रहना चाहिए। जिस भी भाई बहन ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है मित्रों, कहीं ना कहीं आप पीछे रह रहे हो, आपने अभी इनके रिजल्ट देखे, क्या आप उस कंडीशन पे हो, क्या खुद सोचिएगा, आप कहीं ना कहीं कंपटीशन की दौड़ से क्या रह रहे हो, पीछे रह रहे हो। मित्रों पीछे नहीं रहना है, अपन को आगे बढ़ते रहना है। तो अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, सभी से निवेदन रहेगा क्या करेंगे, सिर्फ 89 रुपये प्राइस है मित्रों, ये कोई ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा उसके लिए हो सकती है जो क्या करे 3,000-3,000 का 4,000-4,000 का पेड कोर्स लॉन्च करे और फिर कहे कि 100 रुपये लेके क्या करो हमारी पेड सीरीज लॉन्च ज्वाइन करो, तो वो गलत बात हो सकती है क्योंकि 3,000 दिए और अब 100 रुपये। लेकिन यहाँ पे तो मित्रों उल्टा सिस्टम अपना चला है कि बिल्कुल निःशुल्क क्या है, निःशुल्क पढ़ाया गया है, तो फिर निःशुल्क पढ़ने के साथ साथियों क्या 89 रुपये ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर पेड कोर्स भी लॉन्च करता तो 200-300 रुपये तो उसकी भी फीस हो जाती, तो ऐसा ही मानिएगा कि पेड कोर्स लिया हुआ था 89 में, क्योंकि YouTube पे पेड कोर्स से भी अच्छा मटेरियल आपको मैं बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा हूं। जो जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा शायद वो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे और एग्जाम में भी वहां से प्रश्न आएंगे। तो सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा कि क्या है ऑफर को 3 दिन तक बढ़ा दिया गया था, सिर्फ 2 दिन इसकी क्या लास्ट अवधि है, उसके बाद मित्रों क्या है इसके अंदर क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, किसी को पीछे नहीं रहना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, भाइयों अगर 89 रुपये आपके पास नहीं है ना तो साहब आप कहोगे मैं फॉर्म कैसे भरूं, फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, आज आपके पास टेस्ट सीरीज लेने के लिए 89 रुपये नहीं है तो आगे मित्रों जब आपका रिजल्ट आएगा तब 3,000 रुपये देके आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, जब उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो 16,000 रुपये देके 13,000 रुपये देके आपको कॉलेज ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो फिर क्या फ़ायदा BSTC करने का, अगर 89 रुपये आप नहीं कर पा रहे तो 3,000 मित्रों नहीं हो पाएंगे, आपको भी बताएं। तो साथियों ये सिर्फ आपके मन की एक गलत फहमी है कि पैसे नहीं है, बल्कि क्या अपनी सफलता के लिए 89 रुपये कोई बड़ी मूल्य नहीं है मित्रों। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि क्या करेंगे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे। कुछ भाई बहन कहेंगे कि टेस्ट सीरीज को और जाती हूँ, ये टेस्ट सीरीज कोई ऐसी वैसे नहीं है, बड़े पूरे विश्लेषण के साथ बनाई गई है, पूर्ण सिलेबस पर आधारित है, जैसा आपका एग्जाम में पेपर आता है उसी पर क्या ये आधारित है। तो आप क्या करेंगे इसको कैसे ज्वाइन करनी है कुछ भाई बहनों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, तैयारी कर लो ऐप से, क्या करेंगे आप प्ले स्टोर से क्या मित्रों प्ले स्टोर पे लिखेंगे तैयारी कर लो और प्ले स्टोर पे तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको क्या वहाँ से जो मैंने अभी आपको थंबनेल बताया वैसा थंबनेल आएगा लॉगिन करने के बाद, वहाँ से 89 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। 2 टेस्ट हो चुके हैं सर, आप कहोगे अब ये इनके टेस्ट हो गए को, कोई बात नहीं, हाइएस्ट कितने थे 479 थे, ठीक है आप 480 लेके आ जाओ आपका नाम फर्स्ट पे बताएगा, वो चिंता नहीं करनी, ये जैसे जैसे टेस्ट देते रहोगे ना वैसे वैसे अपडेट होती रहेगी और एग्जाम तक आपके लिए उपलब्ध, ठीक है एग्जाम तक उपलब्ध है। वहां पे टाइम टेबल दिया गया, टाइम टेबल के हिसाब से 10 टेस्ट, टेस्ट का मतलब कोई छोटे मोटे प्रश्न नहीं, पूरे फुल मॉडल पेपर है वो आपको देने को मिलेंगे। तो सभी से क्या रहेगा निवेदन रहेगा कि आप इसको क्या करेंगे जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। और भाई देखिएगा जिनको पता नहीं है कैसे ज्वाइन करनी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक दूसरे वीडियो का लिंक दे रहा हूं जहां पे मैंने पूरी पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि इसको कैसे ज्वाइन करना है, वहां पे आप क्या करेंगे वहां पे आप इसको क्या ज्वाइन कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं, इस पे आप क्या है इस पे आप क्या करेंगे कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, 7412-83-8304, ठीक है इससे मित्रों आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके क्या अपने जो अपनी तैयारी है उसको जरूर रखिएगा। और अब बात करेंगे क्या है जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार है कि BSTC का आखिरकार सर एग्ज़ाम कब होगा, हमारे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं मगर हम टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे, हमें पता चल जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगा। तो 10 एग्ज़ाम तो मैं ले रहा हूँ लेयर क्लासेज की तरफ से और एक एग्ज़ाम और लेंगे 11वां भी होगा, लेकिन उससे बात के अपने जो ऑफिशियल एग्जाम है मित्रों तो देखिएगा
अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्या वहाँ पे क्या हलचल हो रही है उससे अपन एक आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए पीटीटी का एग्ज़ाम 29 अगस्त को घोषित हुआ है। कब घोषित हुआ है? पीटीटी का एग्ज़ाम 29 अगस्त को घोषित हुआ है और मैंने अगस्त एंडिंग में कहा था कि वहाँ तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो सर अब बीएसटीसी का कब होगा? तो बीएसटीसी का मित्रों आप यकीन मानिए कि सितंबर के अंदर ही एग्जाम होगा। जैसे ही क्या है पीटीटी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो क्या अगस्त के बाद सितंबर में ही बीएसटीसी का एग्जाम होगा। सर कोई डेट बता सकते हो? डेट मित्रों नहीं बता सकते, आइडिया बता सकते हैं कि फर्स्ट सप्ताह या सेकंड सप्ताह के अंदर क्या हो जाएगा, सितंबर के पहले या दूसरे, पूरी यहाँ पे संभावना बनती है पहले सप्ताह में, और पहले में नहीं हुआ तो सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपका क्या है बीएसटीसी का एग्जाम है। लेकिन याद रखना कुछ भाई बहन कॉलेज में होंगे तो इसी अगस्त के अंदर फाइनल ईयर के और क्या है कॉलेज के एग्जाम भी है, तो वो साथियों उनकी तैयारी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी से अपना टाइम बना के क्या है पीटीटी की या बीएसटीसी की तैयारी कर लीजिएगा, बाद में आपको दो एग्जाम हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जरूर से जरूर क्या है इस चीज का ध्यान रखेंगे, सितंबर के अंदर आपका बीएसटीसी का एग्जाम है, 29 अगस्त को पीटीटी का एग्जाम है, तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मित्रों ये यहां पे बात थी, जिनके भी भाई बहनों के नंबर आए जिन जिनका मैंने यहां पे नाम बोला उनको बहुत बहुत बधाई, और आपका भी कही क्या है सर हमें भी बधाई नहीं दी, अरे भाई आप भी टेस्ट दीजिए और अच्छे नंबर लाइए, आपको भी क्या बधाई अवश्य देंगे। और याद रखना मैंने कहा था कि फूल में क्या है, जो फूल है ना वो फूल जब मेहनत के जीवन में उगाओगे ना तब जाकर क्या है सड़ी हुई जिंदगी में क्या है अपने आप को महका पाओगे। तो मित्रों महकना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब विरा लूंगा आपसे, चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।